बाबा जी प्रणाम। बाबा जी, आत्मा गर्भ में कौन से दिन प्रवेश करती है और कौन से रास्ते से प्रवेश करती है, कौन से द्वार से प्रवेश करती है? वैसे तो मैं पहले भी इस बात का जवाब दे चुका हूं, दिन का सवाल नहीं है, आत्मा तैयार होती है। कब स्पर्म और अंडाणु मिले, प्रकृति ने जो गर्भ की व्यवस्था उसके लिए की। अब यहां थोड़ी समझने जैसी बात है, जो चेतनाएं 50% से कम, बहुत कम, 10-20% तक जागृत होती हैं, चेतन होती हैं, वह अपना गर्भ स्वयं नहीं चुन सकती। वह तो करीब करीब बेहोशी की हालत में ही प्रकृति के द्वारा उठाई जाती हैं और उनके अनुकूल गर्भ में फेंक दिया जाता है। आत्मा सहस्रार से प्रवेश करती है माता के गर्भ में। कौन से दिन प्रवेश करती है? बिल्कुल पहले दिन, आगाज, पहले आत्मा प्रवेश करती है। बिल्कुल उसी वक्त, जिस वक्त स्पर्म अंडाणु से मिलता है, उसी वक्त प्रकृति आत्मा को धकेल देती है, उस शरीर में, बिल्कुल छोटे से शरीर में प्रवेश करने के लिए। हमने कोई मकान बनाना है, प्रकृति एक बहुत बड़ी कारीगर है, देख रहे हो कितनी कुशलता से सारी संरचना की है, कितनी कुशलता से सृष्टि का निर्माण किया। साइंटिस्ट कहते हैं कि ईश्वर है, यह बात हम सबसे ज्यादा इस कारण से मान सकते हैं, ये सारे पेड़ पौधे पत्थर एस्ट्रॉयड्स चांद तारे नक्षत्र ग्रह आकाश गंगाएं ब्लैक होल्स इतने प्लैनेट्स दूर दूर तक, इनके होने के कारण परमात्मा है। इसको कारण बना के हम परमात्मा को नहीं मान सकते, क्योंकि फिर प्रश्न उठेगा कि फिर परमात्मा को किसने बनाया। हम सिर्फ एक ही बात पर रोमांचित होते हैं, विस्मय से भर जाते हैं, क्या प्रकृति बनाई, किसी ने भी बनाई? बड़ी सुंदर टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई, एक्यूरेट, जरा भी दुरुस्त, ब्लड प्रेशर, सामान्य तापमान, शरीर के भीतर की सारी संरचनाएं उतनी ही होनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा घटती बढ़ती हैं तो उसको हम कहते हैं रोग, रोग हो गया। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम इसीलिए परमात्मा को स्वीकार नहीं करते कि परमात्मा ने सृष्टि का इतना सुंदर निर्माण किया, नहीं सुंदरता नहीं, इतना सटीक निर्माण किया। सटीकता से हमें आश्चर्य होता,
कितना जबरदस्त दिमाग होगा उसका जिसने ये मशीनरी बनाई होगी। कितनी सूक्ष्मता से, सटीकता से, एक्यूरेसी से हर चीज व्यवस्थित की है, सारे नियमों को बिल्कुल सही सही बनाया है। इस चीज से हम प्रभावित होते हैं और सिर्फ इसकी सटीकता को देखकर, इसकी व्यवस्था के इतने ज्यादा एक्यूरेसी को देखकर हमारे हाथ ऊपर उठ जाते हैं कि जरूर ही कोई बनाने वाला हाथ होगा, अपने आप पैदा हो गया, ये बात माननी नहीं या नहीं। सिर्फ सृष्टि को देख के मानी जा सकती है कि खुद पैदा हो गया होगा। छोड़ो, क्या दिमाग खपाई कर रहे हैं, लेकिन इतना सटीक, इतना सुंदर ढंग, हर चीज वेल एक्यूरेटेड, इस बात के कायल हैं हम जब उसकी एक्यूरेसी देखते हैं। पेट के भीतर की अंतड़ियों के भीतर खाने को आगे धकेलने वाले छोटी छोटी बात, जीभा भोजन को पचाने, चबाने के लिए बत्तीस पत्थरों के बीच में एक कोमल जीभा बोलने का काम भी करती है, और जो भोजन आप खाते हो उसको दांतों के नीचे इधर उधर करने में भी सहायता करती है। नाक, कान, आंख, मुंह, हर चीज इतनी एक्यूरेसी, इससे प्रभावित होकर हम किसी अज्ञात शक्ति को मानना पड़ता है। अवश्य ही कोई विशाल वरद हस्त इसके पीछे होंगे जिसने दिमाग लगाया होगा, और इतना सुंदर दिमाग लगाया होगा इसलिए उसे सर्वज्ञ कहा गया। उससे ज्यादा बढ़िया और कोई नहीं जानता था, और उससे ज्यादा बढ़िया आज के डॉक्टर्स ने कितना निर्माण किया, लेकिन उससे बढ़िया नहीं बना सके। आज तक कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं बनी, कितना ही आप खरबों 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 रुपया लगा के कोई फैक्ट्री नहीं बना सकते जिसमें एक रोटी डाल दी जाए और वो खून बन के बाहर आए, नहीं बनी। परमात्मा की सृष्टि की एक्यूरेसी देखकर हाथ बन जाते ईश्वर का होना, हम इस बात से मानते हैं। बिखरी बिखरी दुनिया होती तो हमारे पास कोई बात नहीं, बिखर ही है, उथल पुथल सब, एक घर में इधर पड़ा है सारा कुछ, कुर्सी कबाड़ सब, लेकिन एक चीज में व्यवस्थित चीज, कुर्सी की जगह कुर्सी रखी, मेज की जगह मेज रखा है, प्रकाश जल रहा है, सारे साधन बिल्कुल जगह, वहां हमें मानना पड़ता है कि कोई तो है जिसने ये सारी चीजें व्यवस्था के ढंग को अपना के रखी होगी। यहां आकर बुद्धि मानने को मजबूर हो जाती है कि है कुछ, कोई सीक्रेट पावर है जो इतने विशाल ब्रह्मांड को
चला रही है। एक छोटा सा प्रश्न लेंगे, बड़ा सुंदर। ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिनमें कोई वास्तविकता हो, जिनके अर्थ हो। हमें दर्द हो रहा है, भयंकर दर्द हो रहा है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वह डॉक्टर हमें पेन किलर का इंजेक्शन दे देता है। इतना स्ट्रॉन्ग पेन किलर देता है कि 6, 8, 10 घंटे हमें पेन का पता नहीं चलता। जो दर्द हुआ वो हमारी किसी कर्म के प्रभाव से हुआ, और कर्म भोग कर ही टूटते हैं, बिना भोगे कर्म टूटते नहीं। कर्म का बंधन भोग कर ही टूटता है। उस 8 घंटे में जो दर्द होना था, डॉक्टर ने टीका लगाया, क्या वो कर्म भुक्त लिए गए, खत्म हो गए? बड़ा सुंदर सवाल है, ये सवाल पूछने चाहिए, ऐसे सवाल पूछने चाहिए। आपको दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास चले गए, किसी कर्म के कारण आपको दर्द हो रहा है। 3 तरह के कर्म बतलाए गए हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान। 3 प्रकार के कर्म हैं। संचित कर्म तो हमारे पहले जन्म से लेकर आज तक जो हमने कर्म किए, सब उसमें संग्रहित होते हैं, उन्हें संचित कर्म कहते हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर, उसका रिकॉर्डर, उसमें सारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। ये तो संचित कर्म हो गया। प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म वो है, देखिए, इससे 1 मिनट पहले, इससे 1 क्षण पहले जो मैंने कर्म किया वह प्रारब्ध हो गया। अब 1 क्षण पहले का कर्म अब प्रारब्ध में फीड हो गया। इससे 1 क्षण पहले तक के सारे कर्म प्रारब्ध कर्म वो हैं जो संचित कर्मों में से भोग लिए जाते हैं और बाकी बच जाते हैं, वो हैं प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म समूचे कर्म, समूचे योनियों में किए गए कर्म, समृत्तियां समझ लो, सारे संचित कर्म, सबकी व्यवस्था भीतर रिकॉर्ड है। उनमें से बाकी तो भोग योनियां हैं, उनको छोड़ दो। मनुष्य की योनियों में जैसे ही हम आए, कर्म बनते गए, फल तय होते गए, फल भुगतते गए, नए कर्म बनते गए, रिकॉर्ड होते गए, फलीभूत होते गए, हमने भुगत लिए, माइनस हो गए, सारे मिला जुला के उन संचित कर्मों में से जो भोग लिए गए वो घटाकर जो बाकी बचते हैं उन्हें कहते हैं प्रारब्ध कर्म। वो बाकी बच गए, जो भोग लिए गए वो समाप्त हो गए। सिर्फ उनकी स्मृतियां बची। जैसे हम किसी स्थान के ऊपर, फर्श के ऊपर पानी का गिलास
बिखेर दें। वह पानी किसी दिशाओं में जाएगा, किन्हीं दिशाओं में होता होता पानी समाप्त हो जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन वो पानी जिस जिस रास्ते से गया तो आप पाओगे वहां वहां वो अपने निशान छोड़ गया कि इस रास्ते से गया था। उन छोड़े हुए निशानों को हम कहते हैं संस्कार। फिर से अगर आप उसी जगह पे पानी गिराओगे तो पानी उन्हीं उन्हीं रास्तों से जाएगा जिन रास्तों से पहले पानी गया था, क्योंकि वहां की बाधाएं पहले वाले पानी ने हटा दी। रास्ता साफ है, उसी रास्ते से दूसरी बार का पानी भी जाएगा। इन्हें संस्कार कहते हैं। संचित कर्म हमारे पत्थर से लेकर आज तक के अब तक सभी भीतर संचित हैं। उनमें से कर्म योनि तो कोई है नहीं, मनुष्य योनि से पहले के सारे कर्म सिर्फ स्मृतियां हैं, और मनुष्य योनि के बाद हमारे कर्म जो भोग लिए गए उनमें से घटाकर जो बाकी बचे उनको हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और जो कर्मों की रेखा पड़ गई, जैसे जैसे हमने कर्म किए बार 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 बार, तो उनकी रेखा पड़ती गई, उन्हें हम कहते हैं संस्कार। इसलिए मन वही वही जाता है जिधर जिधर हम जाने के आदि हैं। जहां जहां हमने पहले पानी बिखेर दिया वहां एक छोटी सी पतली सी लाइन बन जाएगी, आपको पता भी ना चलेगा। उन संस्कारों को तोड़ना, कर्मों को उस तरफ जाने का मार्ग अवरुद्ध करना। अगर हम उन संस्कारों को छोड़ देंगे, अवेयर हो गए, तो वो संस्कार खत्म हो जाएंगे। वो एडिक्शंस को हम संस्कार कहते हैं, जो हम एडिक्ट हो जाते हैं जिस चीज के, विकारों के हम एडिक्ट हो जाते हैं, विकारों में बार बार जाते हैं, क्रोध करते हैं, काम में जाते हैं, लोभ में जाते हैं, मोह में जाते हैं, इनके हम एडिक्ट हो गए, अहंकार में जाते हैं। ये हमारे संस्कार बार बार जाते हैं। इन्हें संस्कार कहते हैं। हमारे दर्द हो रहा है, निश्चित ही हमारे किसी कर्म का परिणाम सामने आ गया, दर्द शुरू हो गया, खोज कर ली गई, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया, हैवी एनर्जेसिक, दर्द रुक गया 6, 8, 10, 12 घंटे तक। तो क्या उस दौरान जो हमने भोग भोगना था दर्द के रूप में, क्या वो खत्म हो गया? नहीं खत्म हो गया, वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। अगर हम उस दर्द में सो भी गए और उसको हम महसूस न कर सके दर्द, वो भी नहीं कटेगा। दर्द को जाग के जब तक नहीं भोगेंगे तब तक वो कटेगा। सोए सोए अगर दर्द को भोगेंगे नहीं कटेगा। दर्द होते होते हमें नींद आ गई, दर्द की ड्यूरेशन और बढ़ जाएगी, उसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इसको ढंग से समझने का प्रयास करना। ऐसे तो फिर हम सभी दर्दों को नष्ट कर सकते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक बन गए। और अगर परमात्मा, अगर हम हमारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट
किसी दिन ऐसी पोजीशन पर आकर आगे ऐसी दवा इजाद कर ली गई कि दर्द होते सह हम इंजेक्शन लगाया या वो दवा दी और दर्द हुआ ही नहीं, तो परमात्मा आपको वो भोग भुगताने का कोई और रास्ता खोज लेगा। यही कारण है कि पहले जमाने में इतनी बीमारियां नहीं थी, कहां थी। आज एक बीमारी का इलाज ढूंढ लेते हैं, दूसरी नई बीमारी इजाद हो जाती है। कहां था कोरोना पहले? पहले तो हम ट्यूबरकुलोसिस को, टीबी को ही सबसे बड़ी बीमारी मानते थे, उसके बाद कैंसर, कैंसर के बाद पिछले ही सालों में कोरोना आया, और कोरोना को भी हम खोज लेंगे इसका उपाय। तो परमात्मा आपको दुख देने का कोई और ढंग सोच लेगा, उसके घर में कोई कमी नहीं है, उसने भोग तो आपको भुगतवाने ही है। जो सृजन कर सकता है वो आपको कर्मों के भुगतान करने के रास्ते भी खोज सकता है, बना सकता है। इस बात को आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो जिस वक्त में आपने कर्म नहीं भोगा, आपने वो दर्द नहीं सहा, वह कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। पिछले जन्म में हमारे कर्म बाकी रह गए, बाकी हम लेकर प्रारब्ध कर्म के रूप में अगले जन्म में इस शरीर में आ गए। ऐसे मृत्यु भी हो सकती है, और सोना और मरना इसमें करीब करीब एक बात तो बराबर की है कि हम जागृत नहीं होते। सोते में भी हम मूर्छित होते हैं, मृत्यु में भी हम मूर्छित होते हैं। अगर मर गए तो क्या वो भोग कट जाएंगे, कर्म कट जाएंगे? नहीं कटेंगे। जैसे मरते में वो कर्म नहीं कटेंगे, वैसे ही बेहोशी में भी वो कर्म नहीं कटेंगे। डॉक्टर ने हमें कोई सेडेशन देके, कोई एनाल्जेसिक देकर, कोई एनेस्थीसिया देकर हमारा दर्द रोक लिया, जो कि हमने उस काल में भोगना था, हम उसको भोग नहीं सके। हमने डॉक्टर से कहा कि आप इंजेक्शन दो, ज्यादा दर्द है, हम कहते हैं और स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक दो। ऑपरेट करते वक्त बहुत दर्द होता, हम डॉक्टर को कहते हैं एनेस्थीसिया दे दो, स्ट्रॉन्ग एनेस्थीसिया दे दो। लेकिन बेहोशी के क्षण में हम कुछ नहीं भोग सकते, वो जो भोगना था हमने दुख, उस क्षण में तो हम बेहोश थे, यानी मूर्छा में थे, यानी सोए हुए थे। तो जो कंडीशन हमारी मरने के वक्त होती है और हमारे सारे बकाया कर्म कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं, वैसे ही इन दवाओं के प्रभाव के तले जो हम दुख झेल नहीं पाते, वह दुख कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और इसका हिसाब वो अच्छी तरह रखता है, उसका भीतर का सेंसिटिव कंप्यूटर बड़ा जबरदस्त है। इसने कितना भोग लिया, कितना भोगना बाकी है, वो अच्छी तरह से जानता है। सो जो हम अपनी, तभी बाबा ने कहा सहस स्याणपा लख होवे ते इक न चल लेना, तुम कितनी ही स्याणप बरते जाओ, दर्द निवारक चीजें लेते जाओ, लेकिन तुम्हारे इक न चले नाल, तुम्हारे वो स्याणपे बरतने से आपका जितना दर्द आपने जागृत में भोग लिया, क्षमा करो, जितना दर्द आपने जागृत में भोग लिया उसके बाद सो गए, बेहोश हो गए या सो गए या मर गए, तो जैसे आगे प्रारब्ध में दूसरे शरीर में हम जाके भोगेंगे, वैसे ही इसी शरीर में वो थोड़ा सा लेट कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा
कि दर्द का टीका लग गया और हमारे भोग समाप्त हो गए। ये बड़ी बारीक प्रश्न था, सुंदर प्रश्न था, इसका जवाब अवश्य ही पूछना चाहिए था। अगर हम भोगों को, कर्मों के भोगों को भोगते वक्त उनको रोक देते हैं तो वो पास हो जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड, फिर हमें जब हम शुरू होंगे भोगना तो फिर वो चालू हो जाएंगे। भोगने पड़ते हैं, अवश्य भोगने पड़ते हैं, हमारे किए हुए कर्मों का परिणाम हमें हर हाल में भोगना ही पड़ता है। जैसे दर्द का आपने प्रश्न पूछा, इंजेक्शन जितनी देर लगा रहेगा उतनी देर तक हमें पता नहीं चलेगा, जैसे हम सो गए वैसे हम बेहोश हो गए, जैसे हम मर गए, ये तीनों बातें बराबर है। और जो मरने की स्थिति में होता है, सारे कर्म हम उठा के घर बदल लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड हो गया, वैसे ही मूर्छा की स्थिति में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, बेहोशी के क्षण में भी कर्म आगे धकेल दिए जाते हैं प्रकृति के द्वारा। जो भोगे नहीं गए वो फिर भोगने पड़ेंगे, ये प्राकृतिक व्यवस्था है। किए हुए कर्म भोगों के बिना नष्ट नहीं होते। धन्यवाद।